मशहूर बरतानवी अखबार द गार्जियन ने आईपीसीसी की आने वाली एक रिपोर्ट के बारे में दावा किया है कि साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि क्लाइमेट चेंज की बुनियादी वजह ग्रीन हाउस गैस एमिशंस सिर्फ कारों, फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स के ऊपर कट लगाने से हासिल नहीं की जा सकती। तकरीबन ग्रीन हाउस गैसेस का एक चौथाई हिस्सा ज़राअत से आता है और ये बड़ी एक अचंभे की बात है या एक बड़ी थ्रेटनिंग सिचुएशन है कि उसका मीथेन जो गैस है, जो बड़ा पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका आधा हिस्सा सिर्फ चावल और कैटल से आता है। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि अब हमें एग्रीकल्चर सॉइल और एग्रीकल्चर सिस्टम, फूड प्रोडक्शन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं पाकिस्तान के हवाले से ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान चूँकि डेवलपिंग इकॉनमी है और हमारा जो चावल और कैटल की तादाद भी निस्बतन ज़्यादा है, तो उसमें ये डेवलपिंग कंट्रीज़ अपना रोल किस तरह प्ले करेंगी जीएचजी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में या ख़त्म करने में। एक दौर था जब हमें महकमा ज़राअत की तरफ से ये एक रिकमेंडेशन मिलती थी कि वाई जा और खाई जा, लेकिन अब चूँकि सिस्टम्स डेवलप कर गए हैं, रिसर्चेस आ गई हैं, हम सॉइल को उस तरह नहीं डिस्टर्ब कर सकते जिस तरह हम कुछ अर्सा पहले तक कर रहे थे। हालात ये हैं कि टेम्परेचर दिन ब दिन राइज़ कर रहा है और हमारी जो तकरीबन ज़मीन की गैर बर्फीली 72% जगह इंसान अपने इस्तेमाल में ला चुका है 8 अरब की आबादी को पिछले 100 बरस में फीड करने के लिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह मैच्योरिटी की जानिब जाते हैं और क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं। हम शायद रोक ना पाएँ, लेकिन कम करने के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम वेजिटेरियन डाइट पर कितना आते हैं, हमें कैटल और मीट की कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकें। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम स्मॉल फार्मर्स को गुड मार्केटिंग एक्सेस किस तरह देते हैं। हमें अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को देखना पड़ेगा, हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स देने पड़ेंगे, वरना जो हालात आने जा रहे हैं उसका निशाना सबसे ज़्यादा डेवलपिंग इकोनॉमीज बनेंगी। एरेटिक रेन्स, फ्लड्स और लैंड डिग्रेडेशन हमारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिससे हमें निपटना है। अब उसमें सियासतदान और हमारे एक्सपर्ट्स किस तरह फार्मर्स को ऑन बोर्ड लेते हुए आगे चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम फार्मर्स समेत बहुत से लोग पूछ रहे हैं।